मैं नचदी फिरा आज बहुत ही खास दिन है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारी फिल्म है सीक्रेट सुपरस्टार, ये एसेंशियली एक म्यूजिकल है। इट्स एसेंशियली म्यूजिकल फिल्म, और आज हम अपना म्यूजिक लॉन्च करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने। और मैंने आप लोगों से कहा था सीक्रेट सुपरस्टार में बहुत सारे सीक्रेट सुपरस्टार्स हैं, तो आज मैं आप लोगों को हमारे पहले सीक्रेट सुपरस्टार से मिलाना चाहूँगा। इस फिल्म की जो आवाज़ है, जो पहली दफा बॉलीवुड में गा रही हैं, मेघना। मेघना प्लीज जॉइन अस। जो पहला गाना हम लॉन्च कर रहे हैं, मेघना आपके लिए लाइव गाएंगे। लगता है सपनों से कर देना ये तबाह, डर लगता है अपनों से दे देना ये दबाह। मैं चांद हूँ या दाग हूँ, मैं राख हूँ या आग हूँ, मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, मैं हूँ सुकून या हूँ कहर। मेघना के बारे में तो जितना मैं कहूँ वो कम लगता है मुझे।
ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें इतनी टैलेंटेड आवाज़ मिली है हमारी फिल्म के लिए, क्योंकि बगैर इस आवाज़ के हम ये फिल्म ही नहीं बना पाते. मेघना जो है वो एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ आज मौजूद है और मुझे यकीन है कि उनके लिए ये बहुत ही एक अहम दिन होगा. आपकी बच्ची जो है अपना पहला कदम ले रही है, तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, मेघना के साथ हैं. एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मेघना, यू आर रियली टैलेंटेड एंड यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो. मेरा सवाल है आपसे कि मेघना की खोज कैसे हुई? मेघना का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने जब अमित को ये कहानी सुनाई और उनसे कहा कि हमें एक इसमें हमारा जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, गाने तो हमको अच्छे चाहिए ही, लेकिन हमें एक आवाज़ चाहिए, क्योंकि हमारी कहानी ही है एक ऐसे किरदार की जो कंपोज़र है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, तो उसके लिए हमें एक आवाज़ चाहिए जो फ्रेश हो, नई हो और जो उस एज ग्रुप में हो. 14-15 साल की लड़की है, उसकी आवाज़ है. और मैं सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ से अमित ये ढूंढ के लाएगा, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. जब हम नया टैलेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, वक्त लगता है. आई थिंक उस प्रोसेस के बारे में अमित हमको बताएंगे, बट इट वॉज अ वेरी क्रिटिकल, मतलब अगर हमको मेघना की आवाज़ नहीं मिलती तो हमको फिल्म डिले करनी पड़ती है, जब तक हमको सही आर्टिस्ट, जैसे अगर हमको ज़ायरा नहीं मिलती फॉर एग्जाम्पल, या तारे ज़मीं पर में हमको दर्शील नहीं मिलता, हम उसके बगैर फिल्म नहीं बना सकते. आमिर जी, बट व्हाट इज द प्रोसेस? टेल अस. हाँ, तो जैसे मुझे नरेशन मिला और समझ में आया कि एक 15 साल की लड़की की कहानी और उस पर बेस्ड है और सिंगर सॉन्ग राइटर है, तो इमीडिएटली मैंने अपना सर्च इंजन चालू कर दिया. आई हैव अ प्रोडक्शन मैन कॉल्ड आशीष हु हेल्प्स मी इन दैट. तो उनको कहा मैंने कि हमको एक 15 साल की लड़की, एक बहुत खूबसूरत सिंगर की तलाश है. तो उन्होंने इमीडिएटली हंट शुरू किया और कुछ दिन लगे, थोड़ा वक्त लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, और कुछ आठ दस ऑप्शंस थे मेरे पास, उन्होंने भेजे, 8-10 ऑप्शन सुने, तो काफ़ी सारे वॉइस सुने. और जैसे व्हेन आई स्टंबल्ड अपॉन मेघनाज वॉइस, जहाँ पे मैं पहुँचा, तब एक कुछ एक आई डोंट नो समथिंग अबाउट हर वॉइस दैट रियली टच्ड, एक सोल था एक वॉइस में, कुछ एक बात थी जो कुछ डेमो सुना था मैंने, दे वाज रियली प्योर. और जैसे सर ने कहा कि एफर्टलेस, काफ़ी एफर्टलेस सिंगिंग था, इट वॉज लाइक फ्लोइंग. और इतना वो मुझे सही और करेक्ट लगा कि मुझे लगा कि आई थिंक दिस शुड बी द वॉइस, आई वॉज नॉट श्योर. तो मैंने वैसे ही मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सर के साथ शेयर किया, अद्वित के साथ शेयर किया, और आई थिंक वी ऑल केम ऑन बोर्ड, आई थिंक वी ऑल लाइक्ड द वॉइस, वी न्यू इंस्टेंटली कि दिस इज द राइट वॉइस फॉर इंसिया द कैरेक्टर. आशीष ने तो मुझे बताया था कुछ 28 आवाजें चेक की थी. हाँ, काफी सारे. आप तो 8-10 बोल रहे हो. काफी सारे. It was a long time and a lot of voices were checked before we finally found Meghna. Congratulations, Meghna. My question is for you. You, I have to compliment you. You really have a very nice voice, and thank you for entertaining us. Since this is a musical venture, so how tough or how easy was it for you, and what kind of responsibilities you had? सबसे जरूरी चीज था कि सबसे पहले दिन जब मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, काम क्या है, फिल्म है कि क्या है, बट जब मुझे पता चला फुल्ली कि ये फिल्म है, म्यूज़िक पे बेस्ड है, तो बहुत ही मतलब एक क्रिएटिव लगा कि चलो फाइनली एक अच्छे एक्चुअल म्यूज़िक पे बेस्ड एक फिल्म बन रही है. और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, बट देन मैं तो सिर्फ फॉलो कर रही थी, बट आई थिंक अमित सर और पूरी टीम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे मेरे पे. मैं तो सिर्फ फॉलो कर रही थी उन लोग को जो भी वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे. एक्चुअली इनको इनको पहले दिन पे जब मैं मिला था तो ये काफ़ी थोड़ी नर्वस थी. एक्चुअली मैं तो अभी भी आपके सामने बैठा अभी भी हूँ, बट उस वक्त काफ़ी नर्वस थी, थोड़ी इंटीमेटेड थी, बिकॉज इनको पता था कि आमिर खान की फिल्म, सर की फिल्म है और मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, तो वो थोड़ी सी वो थी. तो उनको मैंने सबसे पहले तो कंफर्ट किया और उनको बोला कि प्लीज़ आप रिलैक्स कीजिए, बिकॉज आपकी वो आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आपकी गायकी में, आपके गाने में बहुत दम है, और हमें आपकी ही आपकी टैलेंट की इस फिल्म में बहुत ज़रूरत है. सो वो कम्फर्ट उनको दिया और उनको धीरे 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 गानों से इंट्रोड्यूस करवाया, और बाद में शी काइंड ऑफ जेल ब्यूटिफुली, और हमारे बीच की केमिस्ट्री भी थोड़ी बेटर होने लगी, बिकॉज इट फॉर मी ऑल्सो फॉर बोथ ऑफ अस इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस विद ईच अदर.
But I think the icebreaker was when we went to Panchgiri. That's where at Amritsar's house. That's where the actual work process started of writing, of jamming together, jamming with each other, with Advait, with Kausar, with Meghna. We all of us were there, and that's where things were. We started flowing easily, smoothly, and nicely. I think. Also, Meghna. क्योंकि यू नो मिस आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ उनसे और अमित त्रिवेदी से सीखी इस दौरान आई थिंक परफेक्शन इज एक थी चीज़ जो मैंने आमिर सर से सीखी और अमित सर और दोनों एक्चुअली अमित सर और आमिर सर दोनों ही बहुत डेडिकेटेड हैं टूवर्ड्स उनके काम में तो जो भी वो काम करते थे पूरा डेप्थ में जाके एकदम कैसे हर चीज़ को वो फाइन कर सकें हर चीज़ को वो एकदम ताकि सबको पसंद आए तो ये चीज़ मैंने सीखी कि हर एक जो भी वर्क उनको मिलता था वो बहुत ही एकदम क्लैरिटी करने के लिए उसको क्लियर करने के लिए बहुत ही डेप्थ में जाके उसका जो भी काम था वो करते थे तो डेडिकेशन मैंने देखा दोनों में और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने देखा उन दोनों में तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी दोनों से सबसे कि बहुत सारी चीज़ें सी मेघना के बारे में बताऊँ उनके पेरेंट्स जो हैं वो दोनों बहुत ही म्यूजिकल हैं फादर सिंगर हैं और उन्होंने ही सिखाया है मेघना को एम आई राइट और उनकी जो अम्मी हैं वो तबला बजाती हैं और डांसर भी हैं और मैं उनसे दोनों से एक्चुअली एक से तबला सीखना चाह रहा हूँ एक से सिंगिंग सीखना चाह रहा हूँ और ज़रूर मैं एक दिन ये करूँगा मैं एक और चीज़ बताऊँ मेघना के बारे में वो जब कई साल पहले वो टैलेंट कॉन्टेस्ट में थी और वो रिजेक्ट हो गई वहाँ पे मतलब मैं तो ताज्जुब मतलब मुझे आज पता चला ही है मैं शॉक्ड हो गया सुन के कि वो रिजेक्ट हो गई थी और इतनी टैलेंटेड लड़की इतनी टैलेंटेड बच्ची तो मतलब ये भी होता है लाइफ में आमिर सर और उनकी फैमिली के बारे में हाँ मेघना यू इंट्रोड्यूस योर पेरेंट्स टू एवरीबॉडी मेरे पापा संजय आप लोग सामने आइए लोग आप लोगों को देखना चाहिए और मेरी मम्मी भी आई हैं आरती मिश्रा नाम है तो ये दोनों ने मुझे बहुत गाइड किया मेरे लाइफ के थ्रू और सबसे पहला क्रेडिट एक्चुअली मैं पेरेंट्स को ही देना चाहती हूँ पिताजी का नाम मतलब बता सकें प्लीज़ अच्छा उनका नाम है संजय मिश्रा और मम्मी का नाम है आरती मिश्रा आई एक्चुअली थिंक दैट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेजन है आरती और संजय जी के लिए भी तो मैं चाहूँगा कि आप भी दो शब्द बोलें हम लोग रहने दो बस करो मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ यकीनन मैं इससे ज़्यादा न कभी खुश होऊंगा और ना हुआ बिकॉज के आमिर खान एक हमारे ड्रीम थे और क्या नहीं है वो मेरे बस के बाहर की चीज़ है आप लोग तो जानते हैं मुझसे ज़्यादा जानते होंगे यहाँ पे आना अंदर की वो स्पाइनल कॉर्ड भी हिल रही है और बोलना तो बहुत मुश्किल है और उसमें इनकी तारीफ़ करना या तारीफ़ नहीं मैं ये कहूँगा कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग आते हैं और उनके ज़माने में हम हैं हज़ारों सैकड़ों साल बाद ऐसे लोग आते हैं धरती पे और उनके ज़माने में मैं हूँ इससे बड़ी खुशनसीबी मैं नहीं समझ सकता हमारे बच्चे हमारे ग्रैंड सन्स ये बोलेंगे
हमारे दादाजी के ज़माने में आमिर खान थे और इतने रियल आप लोग तो परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, मैं कहता हूँ कि ये आगे चल के एक बहुत बड़े संत होने वाले हैं। ऐसा हार्ट है इनका कि आप देखिएगा एक दिन बहुत बड़े संत के रूप में जाने जाएंगे। मैं इतना महसूस किया हूँ, सिर्फ 3-4 बार मिला हूँ, मगर इतनी क्लियर, इतना शुद्ध इनका मन है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि एनी हाउ यहाँ तक उन्होंने मेरी बेटी को पहुँचाया। और थैंक यू, और मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, थैंक यू। मेघना, मेरे शादी के 4 साल बाद हुई, 4 या 5 साल बाद। हम प्लान नहीं कर रहे थे क्योंकि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उस समय, तो अगर प्लानिंग के अनुसार वो पहले ही हो गई होती तो आज 18-19 साल की होती। और शादी होके मेरी 21 साल हुई है, उसके 5 साल बाद मेघना हुई, और थैंक गॉड वो बेटी है सबसे बड़ी बात। और बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए कभी भी। अभी आगे जाकर ये भी ना हो कि बस बेटियों को ही वो किया जा रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ क्या कहते हैं, वर्ड है, हाँ, मतलब एकदम किसी भी चीज़ पर जैसे धर्म को लेके लोग लड़ते हैं, एकदम ही वो हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए दुनिया में। सबको समान यानी, पर बेटे भी ज़रूरी हैं, बेटी भी ज़रूरी है। तो मुझे इस बात का कोई मतलब मुझे बहुत खुशी है कि बेटी है, और 4 साल बाद हुई, और आज ही के दिन हुई, मंडे को पैदा हुई थी। सुबह 9:30 बजे हमें बुलाया गया था, 9:30 बजे पैदा हुई। तो और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे हस्बैंड एक गायक हैं जिसकी वजह से वो अच्छा गा रही है, और थैंक गॉड एंड अमित जी, आमिर जी, आशीष जी, मिस्टर पॉल, जिनके थ्रू हम यहाँ तक पहुँचे, और संतोष मुणेकर जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे फिल्मों में होता है ना, जो आप जिसके लिए प्लेबैक करती हैं, तो उनको भी ज़रा बुला लीजिए, एक बार सबको बता दिया जाए कि फिल्मों में जब प्लेबैक सिंगिंग होती है तो कैसे की जाती है। ज़ायरा, वी वुड लव टू हैव यू ऑन स्टेज। लुक एट दैट, द टू ब्यूटीफुल लेडीज ऑन स्टेज, एक चेहरा और एक आवाज। तेरी ही बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही बानी गाऊंगी मैं, तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी, तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के मैं तुझ में ही सज जाऊंगी, मैं नचती फिरा गिटार, एंड शी सिंगिंग अ वेरी कुछ अंदर से दर्द भरा गाना, समथिंग इन इट व्हिच हां कनेक्ट्स विद द गट ऑफ पीपल, या इट शुड बी अ मेलोडी व्हिच चड़ोज़ एंड सिंगिंग द ट्यून शुड बी सच दैट व्हेन अ सिंगर सिंग्स इट यू मस्ट फील वाओ व्हाट अ सिंगर,
It should be a tough song to sing. Amit actually found this young girl, I think, on the internet. करीब 28 voices को सुना, उसमें से एक voice ही अमित को अच्छी लगी काफी, मेघना की. मेरे को वही फिक्र है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस फॉल्सेटो में जा रही है. कैन शी स्टार्ट ऑन अ लोअर की सो दैट देन शी डजंट हैव टू गो टू फॉल्सेटो. हाँ, नीचे ला के देखा तो फिर जी में रखा, फिर ए माइनर में जाओ, गो टू ए माइनर एंड कम डाउन फॉर दैट लाइन. ट्राई 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 ट्राई. मैं चांद हूं या ताग हूं. उनकी आवाज में एक इनोसेंस है, उनकी आवाज में एक मिठास है. डर लगता है सपनों से कर देना ये तबाह. गाना शुरू शुरू में जब रिकॉर्ड कर रही थी तो फील नहीं आ रहा था, तो शायद अमित सर को ऐसा लगा कि शायद हम सब बैठे हैं, लाइट्स ऑन है, या इसको लग रहा है कि ये स्टूडियो में गा रही है इसलिए नहीं हो रहा है. उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इनक्रेज किया ये गाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही टफ गाना है और ये गाने के लिए हम कभी भी नहीं गा सकते, पहले हमें इसके मूड में आना होगा. और जाते जाते उन्होंने लाइट बंद की. डर लगता है सपनों से कर देना ये तबाह. डर लगता है अपनों से दे देना ये दगा. She has turned out to be an excellent, amazing voice for Zaira. Thank you.
जमुना के